मैं ठीक हो जाता है। हाँ माई ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास आ गया है। बता दो माई आपको क्या हुआ है, बताओ दोस्तों। बुखार आ गया और हमारा 59 नंबर है लेकिन अभी 55 चल रहा है। माही बहुत परेशान है, कह रहा है डॉक्टर पास चलो। कहाँ जाना है? हेलो दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं कल माही को हॉस्पिटल लेके गया था बिकॉज वो रात में उसने बहुत परेशान किया, बीमार हो गया था और फीवर वगैरह भी आ रहा था और उसे कोल्ड वगैरह भी हो गया था और बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा और इतना गर्म हो रहा था ना कि उसके दादू ने भी उसको अपने ऊपर सुलाया, मैंने भी सुलाया और उसे पसीना नहीं आ रहा था लेकिन गर्म बहुत था तो हम डर गए काफ़ी। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस का काम निपटाया और OPD 9 बजे खुलता है तो वो वेट किया। इतना ज़्यादा वैसा भी नहीं था कि एकदम अर्जेंट में जाओ, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि कल चलते हैं हॉस्पिटल। फिर हम नेक्स्ट डे गए, वेट किया पहले तो कि चलो 9-10 बजे चलेंगे, फिर सोचा कि ट्रैफिक बहुत रहता है, भीड़ भाड़ का माहौल रहता है इस रोड पर क्योंकि काम चल रहा है मेट्रो स्टेशन का। सेंट जॉन्सेफ हॉस्पिटल है, वहाँ गए थे, कवि नगर, तो वहाँ गए थे तो मैं जाते टाइम तो शूट नहीं कर पाया, रास्ते में किया था। माही को रात में जैसे सुलाया ना तो उसको पसीना नहीं आ रहा था, फिर काफ़ी देर बाद पसीना आया तो फिर उसका बुखार थोड़ा कम हुआ तो फिर डर भी थोड़ा कम हुआ। देन फिर अगले दिन भी उसे फीवर था तो फिर उसे ले गए हम सुबह सुबह, इसलिए नहीं ले गए 9 बजे क्योंकि ट्रैफिक वगैरह रहता है, सोचा 12 बजे चलेंगे क्योंकि 2-2.5 बजे तक तो रहता ही है खुला हुआ OPD। फिर 12 बजे निकले तो फिर वहाँ गए, फिर हमने अपना काम कराया लेकिन फिर भी रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला तो वो आप देखिए वीडियो में, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, फिर मैं उसके बाद की बात आगे करता हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पे हो गया मैं आधा घंटा से ज्यादा, मेरा बाबू हो गया बहुत ज्यादा परेशान, ये काम चल रहा है ना इस वजह से है यहाँ पे, दैट्स द रीजन। हाय लोग, हम हॉस्पिटल आ चुके हैं जहाँ पे माही का जन्म हुआ था। माही को रात को फीवर आ गया था तो इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं दिखाने के लिए, इसको कोल्ड भी हो गया है। ये यहीं पे पैदा हुए थे, ये है हॉस्पिटल, किसी की कोई दिक्कत होती है तो इसी हॉस्पिटल में आते हैं हम लोग। पापा को भी यहीं लाया था अभी कुछ दिन पहले। माही कहाँ जाओगे? तो दोस्तों OPD से मैं आ गया हूँ और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये पूरा यहाँ पे वेटिंग रूम है, यहाँ पे मेरा नंबर लगा हुआ है और ये देख रहे हो ना यहाँ पे 30वां नंबर चल रहा है लेकिन हमारा जो नंबर है वो 59 है, तो 59 नंबर है हमारा तो उसका वेट करेंगे। यहाँ हम खा रहे हैं हॉट डॉग, ये है कैंटीन, यहाँ से लेके आए और इधर भी है, यहाँ पर चाय वगैरह पी सकते हैं। नंबर बहुत देर में आएगा तो इसलिए आ गए यहाँ पे कुछ खाने के लिए, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। 3 बज चुके हैं, 59 नंबर है, अभी 32 चल रहा है इसलिए आगे जब तक खा लेते हैं कुछ। माई हमारा परेशान है बेचारा। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम अंदर वेटिंग रूम में बैठे हुए थे तो टाइम बहुत लगता तो इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, यहीं पे माई का जन्म हुआ था, सेंट जॉन्सेफ हॉस्पिटल है ये, मरियम नगर में है ये, गाजियाबाद में। तो यहीं पे माही का जन्म हुआ था तो हम यहीं, ये पार्क वगैरह देख रहे हो आप पीछे, यहीं आके घूमते थे बैठते थे। परेशान रहा पूरी रात, इसने जगाया, इसको कोल्ड हो गया है ना तो इसे सांस रोक रही थी, तो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ, तो ऐसे ही होता है इसके साथ हमेशा, तो समझ नहीं पाता कि दिक्कत क्या है। फिर इसको ले आए और रात में इतना बुखार भी था इसको, 1 से 2 डिग्री बुखार आ गया था इसको लगभग, चेक तो नहीं किया था बट ये काफ़ी गर्म हो रहा था और इसको पसीना भी नहीं आ रहा था। फिर इसको उड़ाया तो आधा 1.5 घंटे बाद इसको पसीना आया, तो फिर इसको यहीं हॉस्पिटल ले आए, जो भी होगा आप डॉक्टर साहब देख लेंगे और दवा वगैरह दे देंगे तो उससे रिलीफ मिल जाएगा फीवर वगैरह में। अभी भी इसको है थोड़ा बहुत गर्म है बट हो जाएगा ठीक। हाँ माई ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास आ गया है। बता दो माई आपको क्या हुआ है, बताओ दोस्तों। बुखार आ गया और कैसे करते हैं लाइक? उधर इधर तो ये नॉर्मल है, OPD है, इधर से तो लाइन लगती है, यहाँ से एंट्रेंस गेट है इधर से,
और एक इमरजेंसी गेट है वो इसके पीछे। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और ये अच्छा भी है, यहाँ पे जेन्युइन पैसे लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया जाता है। ये मेरे को अच्छा लगता है जेन्युइन। अगर आपका 100 रुपये का ही काम है तो 100 रुपये ही लेंगे, 101 रुपये नहीं लेंगे यहाँ पे। क्योंकि ट्रस्टी है, क्रिश्चनों का है ये हॉस्पिटल। लूट खसोट नहीं होती, मैंने ये देखा है। अगर आपकी कोई दवा बच भी रही है ना, बस वो खुली ना हो, कटी पिटी ना हो, तो दवा भी वापस हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं। बस बिल होना चाहिए आपको, बिल बना के देते हैं लोग, बिल होना चाहिए, बाकी ये वापस कर लेते हैं सारी दवा वगैरह। बाबू कहाँ जा रहे हो आप, इधर आओ। नहीं वहाँ नहीं जाओ। लग नहीं रहा, बुखार है, ऐसे ही रहता है मस्त सा। A few moments later. हमारा 59 नंबर है, लेकिन अभी 55 चल रहा है। माही बहुत परेशान है, कह रहा है डॉक्टर पास चलो। कहाँ जाना है, इधर बोलो कैमरे में, कहाँ जाना है? डॉक्टर पास। क्या करोगे, क्या करवाओगे डॉक्टर से? सुई लगवाओगे? कैसे लगाते हैं सुई? खींच रहा है कि जल्दी चलो डॉक्टर पास। चल चल रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, फिर हम लोग हॉस्पिटल से आ गए थे आराम से। फिर रास्ते में एक हमारे साथ इतना बड़ा पोपट हो गया ना, कि गाड़ी इतनी हीट हो गई जाते टाइम कि वो जो रेड जोन होता है ना, वो सुई वहाँ तक पहुँच गई थी, बिल्कुल लाल तक पहुँच गई थी, खतरे थे। लेकिन हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और 100 मीटर पहले ही हो चुकी थी रेड। रीज़न था उसमें कूलेंट नहीं था, ख़त्म हो गया था, मैंने चेक नहीं किया। ये मेरी गलती थी, चेक करना चाहिए, खासकर तब जब फैमिली साथ हो, बच्चा हो छोटा सा। तो मैंने चेक नहीं किया। लौटते टाइम भी जब मैं हॉस्पिटल से आ रहा था तब देखा, तब तो ठंडी हो गई थी गाड़ी। फिर लौट के आ रहे थे तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि कूलेंट वगैरह देख लूँ। फिर रास्ते में जब आ रहे थे, ऐसी जगह पर गाड़ी बंद हो गई ना, इतनी हीट हो गई थी। वहाँ से हमारा घर ऐसा बचा था 1-1.5 किलोमीटर के समथिंग। मैंने सोचा थोड़ी देर और चला लूँ, पहुँच जाएंगे। वो रेड पे पहुँची नहीं थी बट आते टाइम, लेकिन मैंने सोचा चलो पहुँच जाते हैं घर, हो जाएगी थोड़ी बहुत तो हीट पे पहुँचेगी, ज़्यादा ही रेड पे पहुँची बंद हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वहाँ से पैदल चले जाएंगे। वहाँ से 1.5 किलोमीटर के समथिंग रह गया था हमारे घर, 1.5-2 किलोमीटर के समथिंग। वहाँ पर गाड़ी ख़राब हो गई, तो वहाँ पर काफ़ी देर हो गया मेरे को, 1.25 घंटा मैंने वेट किया। वो ठंडी हुई, कईयों को कॉल किया, कोई ऑफिस था, कोई कहीं था, तो कोई हेल्प करने भी नहीं आ पाया उस टाइम। खैर कोई बात नहीं। फिर एक ऑटो वाला जा रहा था खाली, उससे मैंने कहा भाई मेरी फैमिली को छोड़ देगा, कितने रुपये लेगा? तो उसने कहा 500 रुपये लूँगा। भाई हद होती है यार, लोग देख लेते हैं ना कि ये मजबूर इंसान है देगा, और उसे ये पता नहीं कि हम पैदल भी चले जाएं। यहाँ पास में ही पार्क था, वहाँ पैदल भी जाते थे पहले सुबह सुबह, इतनी दूर था। तो वो कह रहा 500 रुपये, हद होती है, वो तो बच्चा था, उसे इतनी दूर गोद में नहीं ले जा सकती मेरी वाइफ, तो इस वजह से मैंने पूछी। अगर बच्चा नहीं होता फिर तो मेरी वाइफ निकली जाती, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा दूर था नहीं। खैर कोई बात नहीं, लोग मजबूरियों का ऐसे फ़ायदा ना उठाया करें, थोड़ा बहुत मदद भी कर देनी चाहिए किसी को, ऐसा कुछ होता है तो। और मैं तो पैसे भी दे रहा था, 100 रुपये भी दे देता कोई नहीं, बट ज़्यादा दूर था नहीं, 100 रुपये ले लो। ये थोड़ी ना है कि भाई देख लिया फैमिली है भाई, इसे तो जाना ही जाना है, मुंह फाड़ के कुछ भी बोल दोगे भाई 500 लूँगा, ये लूँगा। अरे हद है यार, वो तो शुक्र है हम कहीं बाहर नहीं थे, लोकल में ही थे, तो ज़्यादा डरने वाली कोई बात थी नहीं। और दोस्तों, मैं पानी वगैरह की बोतल हमेशा साथ में रखता हूँ गाड़ी में, कम से कम मेरी गाड़ी में 4 से 5 बोतल मिलेंगी, वो भी 2-2 लीटर वाली, तो मैं हमेशा पानी रखता हूँ। तो वो मैंने उसमें फिर डाला, देन गाड़ी ठंडी हुई। और मैंने मैकेनिक को भी फ़ोन कर दिया था, तो वो भी 1.25 घंटे में ही आया, बहुत देर में, तो ठीक है, ये काम हुआ था मेरे साथ। ये भी अच्छा रहा कि मैकेनिक भी आ गया पास में, उसने देखा फटाक से, तो मैं भी गया नहीं हूँ, वो आगे लेके जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा हो सके तो। माही भी ठीक है, फ़ायदा कर गई है दवाई, ज़्यादा आजकल वायरल भी चल रहा है, तो ज़्यादा माही पे कुछ असर नहीं था उसका, वो ऐसे ही नॉर्मली आ गया था, फीवर खेलता रहता है ना यार, ठंडा वंडा पानी पी लिया होगा उसने। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही था। आप भी अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, सभी खुश रहिए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।